basically I'm a daughter of two activists. Achha. जिन्होंने अपनी सारी जवानी through journalism, through politics, through city politics, through grassroots politics, through grassroots sports, grassroots welfare, sewing centers, इसके through अपनी activism की है सारी जिंदगी. तुमने एक सबसे मैं जिस चीज के लिए तुम्हें एडमायर करती हूँ एंड आई लव यू फॉर इट, तुमने अपने से छोटी उम्र के लड़के से शादी yes. की और तुमने जो क्रिटिसिज्म फेस किया yes. और जो तुमने जवाब दिए हैट्स ऑफ टू यू. या आई डोंट नो, पता मजेदार बात क्या है, अब ये भी कुछ आपस किसी बात है. मेरी और मेरे शौहर की बहुत अच्छी दोस्ती, आया अभी मेरे साथ आया. आई लव हिम. ये मुझसे वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है. हम दोनों जिंदगी के कैसे मकाम पे मिले, जब ये नया नया एबटाबाद से आया था. इसकी बहन मेरी सहेली है जिनान हुसैन, इज अ फाइन एक्टर, फाइन आर्टिस्ट. तो हम साथ साथ वाले घरों में ही रहते थे, तो वहीं हमारी दोनों की मुलाकात हुई. खामोश तबा बिल्कुल, और मैं बहुत मोटी थी, ये बॉडी बिल्डर था, तो ये इसको वजन कम करने मैंने अभी बॉडी शेमिंग पे भी बात करनी. हाँ, तो हम दोनों ने इस तरह हमारी दोस्ती सी हुई. उसके बाद जिंदगी में बहुत सारे हमारे मेरी जिंदगी में एकदम बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, जिसमें ये मेरे साथ था. तो मेरा और हादी की शादी का फैसला बुनियादी तौर पे इसलिए है कि और किससे शादी करेंगे हम. और मैं मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जैसे इंसान के लिए मोहब्बत से ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती है. दोस्ती के बगैर रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता. तो ये एक अकलमंदाना फैसला मेरे पार्ट पे ये था कि मैंने दोस्ती को तरजीह दी शादी के फैसले में, और उसने मेरा साथ दिया. एक्चुअली मेरे लिए वो जवाब देने इसलिए बहुत आसान थे क्योंकि थोड़ा रिवर्स था. लोगों को ये लगता है कि मुझे ये खौफ लगे हुए होंगे कि हाय ऐसे नस जाएगा. हाँ, तो ए नहीं जी स्टोरी तो इसलिए शायद जिन जो कंसर्न्स लोगों के लिए थे वो मेरे कंसर्न्स ही नहीं थे, तो मैं जरा इजी थी. बट मुझे जो दुख जिन बातों पर हुआ वो ये हुआ दैट आई हैव बीन कॉल्ड अ पीडोफाइल ऑन सोशल मीडिया. ओह माय गॉड, आई हैव बीन कॉल्ड अ पीडोफाइल फॉर मैरिंग समबडी 10 years यंगर देन मी, एंड आई हैव बीन कॉल्ड अ कूगर, I've been called a sex addict, maniac, interested in maybe a young boy. I don't believe. Yeah, ये चीजों ने मुझे थोड़ा किया कि यार ये हम मर्दों को तो नहीं कहते हैं. मेरे माँ बाप में 10 साल का फर्क है, मेरी अम्मी छोटी हैं 10 साल मेरे वालिद साहब से. मेरे बाप को तो आज तक किसी ने नहीं कहा. अक्सर लोग ये कह रहे थे कि रिसा भाई थोड़ा दूजा ब्याज है. But never these words. These were a little hurt. I didn't feel good. I was like, क्या क्या पता मैं क्या कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों को कि काश आपके पास शऊर होता और आप ये समझ सकते कि रिश्ते जिस्म से बहुत बड़े होते हैं, और हमने internationally, globally actually हर चीज को जिस्म पे महदूद कर दिया. पता नहीं किसने किया, न जाने हम लोगों ने किया कि अवाम ने किया कि मीडिया ने, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हमने सब चीज़ों को जिस्म पे महदूद कर दिया है. ये एक दुख की बात है. उम्र पे, वजाकता पे, दीज आर सैड थिंग्स. किसी को किसी से हवस ही हो सकती है. हाय क्यों, ऐसा नहीं है. और ऐसे रिश्ते, जिंदगियों के रिश्ते जब आप किसी से बांधते हैं तो वहाँ ये बातें तो बहुत आगे होती हैं. हाँ, तो पीछे शादियाँ तो एहसास पे चलती हैं, दोस्ती पे चलती हैं, चलनी चाहिए, ट्रस्ट पे चलती हैं, इन चीज़ों पे चलती हैं, एक दूसरे के साथ सच्चाई पे चलती हैं. जितना सच मेरा हादी को पता है, बिल्कुल उल्टा मामला है. तो कम कहते ना मुंडे नू ना दसी पिछे किड़ा फेर सी, कौन कौन सी की होया सी, बिल्कुल मिस्ट्री रखनी चाहिए बंदे नू, कुछ भी नहीं दसना चाहिए. मेरा सब कुछ पता है मेरे मियाँ को. मुझे अभी का रात को कोई पसंद आ जाए तो सुबह उसको पता होता है. Same here. I can tell my husband anything, anything. And that's what I think. Actually, we are married to good men, yeah. Allah ka they shukar. Are feminists. Yes, Allah ka shukar. Allah ka shukar. Shukar. ये भी अब मुझे जिंदगी के इस हिस्से में आके अंदाजा हुआ है कि अच्छा आदमी मिलना किसे कहते क्या क्या होता है, इम्पोर्टेंस होती है जिंदगी में. फाइंडिंग अ गुड मैन और अ गुड वाइफ और अ गुड हस्बैंड, ये बड़ा
मामला है ये भी, बंद पड़े लोग फंसे हुए देखती हूँ मैं अपने इर्द गिर्द, तो बड़े परेशान है। वी आर वेरी लकी माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड टच वुड टच वुड। बाय द वे मेरा मियाँ भी मुझसे एक साल छोटा है। सी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुम मेरा अदब किया करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। सिर्फ एक हफ्ते हमारी सेम एज होती बिकॉज वी बोथ फेब्रुअरी बॉर्न, तो वहाँ मैं कहती हूँ ओके क्वालिटी, उसके बाद मैं बड़ी हूँ। वेल व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो अब मर्द भी तो अपने आप को आप कहलवाया है उन्होंने इतनी सेंचुरीज, जस्ट बिकॉज़ दे वर ओल्डर देन देयर वाइव्स। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बॉडी शेमिंग के बारे में क्या कहती हो? तुमने अपने लिए वजन कम किया या लोगों का प्रेशर था? मुझे तो वजन इसलिए कम करना था, और मुझसे लोग इतना पूछते हैं हर वक्त, मेरे पास इसलिए उनको देने को कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरा वेट गेन बहुत स्पेसिफिक और यूनिक मामला की वजह से था। और वो ये है कि मुझे मेरी उम्र 7 साल की थी इफ़ा, जब मेरे सबसे बड़े भाई का इंतकाल हो गया था मेरे घर में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, और मेरी अडल्ट लाइफ वहीं से शुरू हुई। और आई थिंक अराउंड द सेम टाइम आई डिवेलप्ड लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड ऑल माई लाइफ आई हैव डेल्ट विद दिस। उसके साथ आई बहुत सारी कम्फर्ट ईटिंग, बहुत सारी बिंज ईटिंग। मेरा मामला बाय द टाइम आई सीरियसली टुक माई वेट लॉस हैड कम टू दिस के 2 महीने में 20 किलो बढ़ गया। और इस किस्म का यो यो वेट गेन और वेट लॉस हो रहा था। तो 6 साल जो मैं यहाँ रही कराची में थी मैं शुरू के, तो मेरा वजन 83 और 60 के बीच में ऐसे आ जा रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, मजाक था जैसे कोई। देन आई टुक माई हेल्थ एंड माई मेंटल हेल्थ, और फिर देन आई लॉस्ट माई यंगेस्ट ब्रदर 6 years ago। तो वहां पर तो बिल्कुल एक्सेलरेट हो गया मामला, so much tragedy in your तो इतना एक्सेलरेट हो गया सब कुछ कि फिर बाय द टाइम मैंने जब इसको सीरियसली लेना शुरू किया, तो मेरे वेट लॉस में बहुत सारी थेरेपी, मेडिकेशन, बहुत सारी चीजों का हाथ है। तो वो आम आवाम वाला वेट लॉस है नहीं है। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कैसे तो किया, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मुझे बहुत रिगरसली इस पे काम करना पड़ा और अभी भी करना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि बिंज ईटिंग के साथ फिर मैं एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक है मेरा जहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज रैम्पेंट है, हर दूसरे बंदे को है। तो मैं वेट गेन अफोर्ड ही नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा बहुत सारा जेनेटिक हिसाब किताब अम्मी। और अगर कोई प्रॉब्लम ना होती और तुम थोड़ी सी तुम्हारा वेट ज्यादा होता तो तुम्हें कोई परवाह होती? बहुत ज्यादा वेट पे मुझे परवाह होती घूम रही है इतनी, तो मैं कहती अजीब मोटा गलोला लग रही हूँ। 28 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया, मैंने पहला कैरेक्टर 45 साल की औरत का किया, फिर 50 साल की औरत का किया। क्यों? बिकॉज आई वॉज आई लुक्ड दैट एज। तो आपको पता ना शो बिजनेस में तो यू आर एज ओल्ड एज यू लुक। तो मेरा शुरू का करियर तो लोगों को पक्का ही लग गया कि मेरी तो जब मेरी हादी से शादी हुई तो आई वाज 34, तो पीपल थॉट ये तो बहुत ज्यादा उम्र की है, इसको तो हमने नानी बनते हुए देखा है। तो इन्हें तो बच्चा फिसालता है बिल्कुल ही, ये भी उसके साथ पब्लिक इमेज के साथ कुछ मामला। तो हाँ ऑब्वियसली मुझे भी फर्क पड़ता है, हर एक को पड़ता है। सामने रंग का कितना तुमने दुनिया में काटी है तकलीफ? आई थिंक मेरा ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ा मोटापा था, तो उस पर बात ही नहीं आई इतनी। वो मेकअप मुकअप करके कवर हो जाता था, उसका नहीं मुझे इतना मसला। अच्छा, मुझे तो बहुत इसका सामना करना पड़ा। अच्छा। अपने रंग का, काली चुड़ैल रंग देखा है अपना, मतलब वैसे तो लोग मुंह पे कह देते हैं ये रंग बड़ा अट्रैक्टिव होता है, गोरे तो मरते हैं इस रंग पे, मुंह पे ये कह देते हैं, लेकिन चाहिए उन्होंने गोरियां चिटियां ही होनी है ना। आई गॉट ट्रू इट, ठीक है ना। आई थिंक आई हैव बीन डंप्ड फॉर फेयर। ओह सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर। आई बीन डंप्ड, आई मीन देयर वाज नो अदर रीजन। या यस, आई हैव बीन डंप्ड फॉर बीइंग फैट, and I have been dumped for being dumb. Not fair. Yeah. 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 Because I think बिल्कुल उस मोटापे पे तो मैं बिल्कुल कबूल सूरत वाले दायरे में भी आती थी, सिर्फ शायद दुनिया के स्टैंडर्ड से। Oh, you are beautiful. एक्सेप्ट कर लेती थी। थैंक यू। मैंने ना मेकअप खुद किया, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तुम्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद किया। You're so pretty. Thank you so much. Yeah. It's really nice. तुझे आज मिल जाए एक मौका कि अभी तुम्हारी 3 ख्वाहिशें ये पूरी हो रही है कि इंडस्ट्री में 3 चेंजेस ले आओ, क्या लेके आओगी? स्प्रेड आउट करूंगी काम को, स्प्रेड आउट, मुख्तलिफ टीम्स को आगे आने दूंगी। जैसे अभी जब मैं फिल्म की भी अपनी बात करती हूँ बैठकर प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैंने एक गल दसो,
किसी दिन अगर फवाद खान और फवाद मुस्तफा और महवेश मायरा और कोई दो चार और लोग जिनको ये लोग स्टार समझते हैं, सुपरस्टार छह लोग हैं टोटल हमारे पास ना, मैंने कहा जी कितने चले जाने, गायब हो जाने को, अगवा कर लवे की करेंगे या कैन कैसे काम नहीं करना, काम नहीं करना तो हम क्या करेंगे फिर, फिर काम कौन करेगा, किस पे बनेंगी फिल्में, कैसे बिकेगा मामला। और फिर चक्कर ये है कि आपने एक इंडस्ट्री बनानी है ना, तो इफ्फत इंडस्ट्री बनाने के लिए उस साल की कम से कम 20-25 फिल्में तो चाहिए ना एटलीस्ट, बिल्कुल एक टीम एक फिल्म बना सकती है साल, बिल्कुल उसके लिए 20-25 टीमें खड़ी करनी पड़ेंगी, और ये भी मैं कम बता रही हूँ, बिल्कुल कम बता रही हूँ, 100 के करीब निकलनी चाहिए, 20-25 टीमें नहीं है हमारे पास अभी।